प्रोग्राम इतिहास की खोज लेके मैं हरकिरत सिंह बल हाजिर होया हाँ। गुरफतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 28 अक्तूबर है। 28 अक्तूबर दिया प्रमुख सिख इतिहासिक घटनावां जां ओ घटनावां जिन्हां दा संबंध सिख इतिहास दे नाल है ओह तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हाँ जी। अज की जिहड़ी पहली घटना जिहड़ी प्रमुख घटनावां दे विच आउंदी है ओह है सन 1627 ईस्वी दे विच जहांगीर की मौत हो गई सी। 17 अक्तूबर 1605 नूं अकबर दे देहांत तो बाद जहांगीर मुगल तख्त ते बैठिया सी। उहदे बारे कहा जांदा सी कि वह बहुत ही मनमोजी बंदा सी। कई बहुत दरिया दिल ही कई बार दिखा दिंदा सी, कई बार बहुत ही खंखारू जिहड़ी उहदी मन की स्थिति सानू सामने विखाई दिंदी आ। पर सिख इतिहास की गल करांगे, सिख इतिहास के नाल उसका काफ़ी संबंध रहा है क्योंकि साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी शहादत जिहड़ी हुंदी आ उन्होंने बादशाह दे टाइम दे जहांगीर दे वेले ही जिहड़ी हुंदी आ, जिस दे विच असी देखिया कि उस तो बाद अगे सिख इतिहास दे विच छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने जिहड़ा ग्वालियर के किले दे विच भी इस ही मुगल बादशाह दे समय दे दौरान जिहड़ा कैद किया जाता, बाद दे विच भावें महाराज नू जिहड़ा बंदी छोड़ दिवस दे असी कुछ दिन पहला ही दिवाली मना के हटे हाँ, बंदी छोड़ दिवस दे दौरान जिहड़ा रिहा भी कर दिता जाता। सो इस जिहड़ा बादशाह सी अज दे दिन इहदी मौत हुई सी इसका 28 अक्तूबर नू, इहदा जिहड़ा संबंध सी सिख इतिहास दे अनुसार सिख जिहड़ा काल सी जां गुरु साहिबान दे इतिहास दे नाल इहदे रिश्ते जिहड़े ओह नज़दीकियां दे दूरियां वाले दोनों तरह दे असी वेख सकदे हाँ। अगे वधदे हां जी अगली घटना दे विच। सन 1708 दे विच बादशाह बहादुर शाह ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार को खिलत दा सन्मान जिहड़ा चोगा प्रदान किया। हैरानी की गल पर यह है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उपर हमला करन वाले जालम है जिहड़ा जशमेद खान जी नूं दो दिन पहला ही यह सन्मान दिता गया सी। अजिहा सलूक करके बादशाह ने इस सिद्धांत नूं प्रमाणित कर दिता सी कि वह सरहंद के सूबेदार तो इलावा गुरु गोबिंद सिंह के उपर गुप्त हमले करन दे विच भी उहदी जिहड़ी साजिश है ये घटना करके वह कितने ना कितने जिहड़ी सानूं सामने आउंदी विखाई दिंदी है जी। सन 1688 ईस्वी नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दिल्ली नेड़े जिहड़ा एक जगादरी है उत्थे गए सन। 1978 दे विच 18वीं आल इंडिया अकाली दल की कॉन्फ्रेंस लुधियाना विखे हुई। इस कॉन्फ्रेंस दे विच अकाली दल वल्लों आनंदपुर साहिब का मता किया गया। आनंदपुर साहिब का मता सरदार कपूर सिंह वल्लों लिखे इस मते नूं श्रोमणी अकाली दल ने खालसा पंथ की जन्म भूमि विखे 1972 दे विच पास किया सी, जिस कारण इसका नाम आनंदपुर साहिब का मता पै गया सी। 28 अगस्त 1977 नूं श्रोमणी अकाली दल के जनरल इजलास ने आनंदपुर साहिब का मता पास किया सी। आनंदपुर साहिब का मता सिख कौम की विलक्षण म्यारी वक्री होंद हस्ती कौमीयत नूं कायम रखण अते गुलामी दीआं जजीरां तोड़ के खालसे दे उस राजनीतिक रुतबे नूं मुड़ सुरजीत करन दा सिद्धा राह सी। मनोरथ अते गुरमत ते रहिणत मर्यादा दा प्रचार अते नास्तिकता ते मनमत दा जिहड़ा प्रचार आ उहनूं रोकण दे विच इहदी जिहड़ी वड्डी भूमिका सी। सिखां दे विच वक्री हस्ती दा अहसास कायम रखणा अते अजिहा देश जिस दे विच सिख पंथ दे कौमी जज्बे अते कौमियत दा प्रगटावा पूर्ण होवे। कंगाली भुख नंग अते थुड़ नूं दूर करना इह मुख सिधांत तुहानूं दस रहे हां। इस मते दे न्यायकारी ते चंगे प्रबंध नूं कायम करन लई दौलत ते उपज नूं वधाउणा अते मौजूदा पाणी वंड ते लुट खसुट नूं दूर करना, गुरमत आशे अनुसार अनपढ़ता छूत छात अते जात पात दे वितकरे नूं हटाउणा, मंदी सिहत ते बीमारी नूं दूर करन दे उपाउ, नशियां दी निखेधी अते बंदिश दे शरीरक अरोगता दा वाधा जिस नाल काम नूं विच उत्साहित जारी ते ओह कौमी बचाओ लई तैयार हो सके। इहदे सिधांत जिहड़े मुख सन इह तुहानूं दस्से ने। श्रोमणी अकाली दल सिख पंथ दी समुची मर्जी दा इक्को इक प्रगटाओ अते पंथ दी प्रतिनिधता करन लई पूरा अधिकार रखदा है। इस जथेबंदी दी बुनियाद मनुखां दे आपसी संबंध मनुख गति अते मनुख प्रेम नाल संबंधां उत्ते रखी गई है। इह सिधांत गुरु नानक देव साहिब महाराज दे उपदेश नाम जपो किरत करो अते वंड छको दीआं लीहां उत्ते आधारित सन। इह तुहानूं जिहड़ा मैं दस्सिया आनंदपुर साहिब दा मता जिस दे विच अकाली दल ने उस वेले पूरजोत हमायत जिहड़ी कीती सी, वड्डे पद्धर दे उपर जिहड़े वड्डे अंदोलन चले ने, जिहड़ियां कुछ शर्तां सन, जिहड़े मनोरथ सन, सिधांत सन, उह तुहाडे नाल सांझे कीते ने इस मते दे। इस तों इलावा
एक होर घटना जी जाते आते तो साझी कर जा रहे हैं जी। सन 1979 हाँ जी 1979 के मेरठ विखे गुरद्वारा साहेब जो मेरठ का गुरद्वारा साहेब सी उसनू सील कर दिता गया सी। भारतीय हुकूमत वालों अजिहा कदम चुकया गया सी। इसका जिहड़े कारण आ वह वख वख तरह के जिहड़े सामने आते हैं। उस वेले भावें अकाली दल की केंद्र दे विच जिहड़ी चलती सी जिहड़ी जानकारी एक दूजे नाल सांझी हुंदी सी, पर गुरद्वारा साहेब जिहड़ा सील कर दिता गया सी कुछ समय बाद जिहड़ा इस नूं आजाद भी जिहड़ा करवा लिया गया सी सिखां दे वल्लों। सो इह सन अज की जी खोज है इतिहास की खोज आज की खोज इन्नी ही प्रवान करो जी। फिर नवी खोज लेके इतिहास के नवे पन्ने लैके तुहाडे रूबरू होवांगा। इस वेले मैनूं इजाजत दो जी, जुड़े रहो इस तरह ज्ञान दे विच वाधा करते रहो। प्रोग्राम नूं लाइक करो शेयर करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुकराने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।